ना अगले गांव तक जाना है बाबूजी, आप बैठा लो तो बड़ी मेहरबानी होगी। बैठो। हैरान थे इसने, गेरा में जाके चूस लियो। चूसन तो कोई बात नहीं, या मेरी बेटी से बाबूजी, और जात के सफेरे से हम नाग पकड़ रहा हमारा काम से। आपको सांपों से डर नहीं लगता क्या? किसी बात करो से बाबूजी, ये तो हमारे देवताओं से, इनता भला किसा डर। आप कौन से काम करे नाले से बाबूजी? जटोला काम से मेरा, मेरे पिताजी का नाम चौधरी प्रताप सिंह से। आप तो सरपंच साहब के बेटे सो, तुम जानो से मेरे बाबूजी ने? हम भी उसी गांव के से बाबूजी। अच्छा यार, कल का डेट अभी है? बिल्कुल आ रहा है सर। किराया लो बोल यार। माफ करना, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। लाइए आपका पैर खींच देता हूँ। ए बाबू, क्या आपको दिखाई नहीं देता? आपके अंधे हैं जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब अचानक हो गया। ना जी ना, इसमें थारी गलती ना, इसमें तुम्हारी गलती थी जो थारी टमटम तक जाकर टकरा गई। देखिए, जो होना था वो तो हो गया। जो होना था हो गया। हाँ, इसका इलाज के तेरा बाबू करा होगा। बस बेकर भीरो, इसमें इस बेचारे की क्या गलती है? ना इसमें इसकी गलती का, इसमें तुम्हारी गलती है। और हमारे चुमाल ला रही हो, जिसने एक्सीडेंट करा उसने पकड़ो ना, हमने साइकिल भी चलाई ना आंधी। चलो अब हैंड भी दो, बहुत देर हो गई है। ओए माँ, अरे अरे छोरी गई थी, चौड़ा थी बैरल कत्ती, ये खींच खींच के गुस्से में कत्ती 6 महीने तक याद रहेगा भाई। अरे तेरे तो गुस्से गुस्से लग गए है, मेरे तो बिद्रोह के तीर मार गई मेरे ने। हाय रोला जो प्रकाश भाई, चल है। हाँ चलो। Thank you.
क्यों यार सालनी बेटी, तू लंगड़ा क्यों कर रही है? कुछ ना बाबू, बस थोड़ी सी चोट लगी थी। क्यों कर लगी? पर तू तो पानी लेने गई थी। चल बेटा अंदर चल, चल बेटी खाट पे बैठ जा। पर बेटा नु तो बता चोट क्यों कर लागी? हाँ बापू, राय में गाड़ी पे टक्कर हो गई थी मेरी। सुसरा के आंखों का अंधा था जो टक्कर मार गया। कितनी चोट मारी से मेरी फूल सी बेटी के। आ जाओ दद्दू बैठो। अरे के हो गया भाई छालनी को? कुछ नहीं दद्दू, बस थोड़ी सी चोट लग रही सर, ठीक हो जाएगी। ये थोड़ी चोट लाग रही से, ये तो पूरा पाँव सूज गया से। पागल थोड़ी चोट बताओ ऐसे। रज्जो। हाँ बाबा। दवाई की पिटारी लिया, इसके लेप कर दूं। अब तो कह रही है थोड़ी सी चोट लग रही है। पर लगी तो है दद्दू। बावली कहे की दवाई लगा दी से तौली ठीक हो जाएगी। अपना ध्यान रखिए बेटी, हम गांव में जाए से फेरी लाने। और एक काम करियो बेटी, लाजो ने बुला के पानी वाणी भरवा लियो। बहुत चोट मार दिए राम जाते ने, जब ना मिल जाता जमीन में गाड़ दू सुसरे ने। बस अब बस भी कर भाई, गुस्सा मत कर, चल धंधा कर लिया। मैं जो थोड़ा शालनी का ध्यान रखियो बेटा। ठीक है सरकार, हम शालनी के दौरे जा से। बड़ा खूब पीड़ा रहे तेरी, सोचे बैठा समा डब्बी। बात पे तू नाराज से, किस बात का से गम, किसी सोच में डूबा से, करवा देंगे संगम गम। अरे यार तुम मारे स्वभाव कूल होता डबी, पर तू किस सोच में डूब रहा सा डबी। मारे होने वाले बापी के सप्रे लेवा था प्रकाश। अरे मरे यारो उस ताई तो मैंने लग देख भी नहीं लिया, फिर तो वह सपेरन आ रही होगी भाई तेरे सपने में। हाँ यार, जब तवा स्पेन देखी ना, मेरे दिल और दिमाग में गति छा रही से। ते डिब्बी, तेरा जोड़ बढ़ा पड़ा हुआ। अरे वो कुकर बढ़ाओगे रे। अरे इसे इसे काम मत मतम एंडी सोरे से, ला कानूरे ने। बंदा ना पूरा सुनता किए कैसे? अरे तू सुन के पहाड़ तोड़ेगा, चल मेरी गल्ला जोगाड़ बढ़ाऊंगे अपने डब्बी का। Let's go.
भी कमाल कर दिया सारनी, थोड़ी तो चोट लग गई सर, तन्ने के गोली लग गई। जब तेरे लागती ना, जब मेरा पार्ट था तने। पर कुछ तो फर्क पड़ा होगा, तब तूने लेप करा तो था। हाँ, दर्द तो कम है कुछ, पर बैरी ने दिल का दर्द बढ़ा दिया। क्या कहा, चोट तो तेरे पाँव में लगी थी, दिल का दर्द करे तो बढ़ गया। तू ना समझे ना जो, जान काट ली बैरी ने, सारी रात उसकी याद में नींद बेखोनी आई मैंने। पर वैसे कौन? वो आए छोरा जो कल टक्कर मार गया था, इस पाके भी और दिल के भी। क्या बकवास कर रही से तू, तने पता भी से तू क्या कह रही से? मैं तो चीज नहीं समझ गई थी जब तू उसकी आंखें मार के डाल के बैठी थी और अपने पाँव का दर्द भी भूल गई थी। के करू राजू, बैरी इस दिल से लिखटता ही कौन नहीं। अपने इस दिल ने संभाल सोनी, जो सपना तू देख रही से वो कभी पूरा नहीं हो सकता। क्यों ना हो सकता, मैंने प्यार करा सर, कोई पाप नहीं। डेरों के कानून के हिसाब से बहुत बड़ा जुर्म करा अपने सामने, तू अच्छी तरह जाने से। डेरा की छोरियां पे प्यार करना तो दूर, गैर मानस के बारे में सोचना भी गुनाह से। जो सरदार ने बेरा बांट गया तन्ने जान ते मार देगा। पर तू बता रज्जो, मैं क्या करूँ, मैं उसने भूल भी तो नहीं सकती। पर तू देख ले सालनी, कहीं तू इस प्यार की आग में जल के राख ना हो जा। मुझे माफ कर दो ठाकुर साहब, मुझे माफ कर दो ठाकुर साहब। माफ कर दूं उस खानदान को जिसके कारण मैं डकैत बना। इस लुगाई को इस बालक से अलग करो। इस बालक को तो छोड़ दो, इसने थारा के बिगाड़ा है, इसकी के गलती है? गलती इसकी नहीं, गलती उस वंश की है जिसमें पैदा होया है। इस वंश के नाम लेने वाले अंश को भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे भुरिया तू, बताओ यार, इस बालक ने क्या बिगाड़ा था इनका? सारे से मार के अरे इतने सारे डकैत थे, एक आ तो पिछाना होगा। ना जी ना, हमने कोई नहीं पिछाना। अरे इधर आ, तू क्या कर रहा था जब डकैत आए? अजी साहब, कल वो मोनू की मम्मी 2 महीने में आई थी। बस बस, तू रहने दे। हाँ भाई, तू कहा था? अजी साहब के बताऊं, मारी तो भैंस भी आई थी, तड़की से बाट देख तो सांझ लो जेल ना गेरी, मैं तो इसी प्रॉब्लम में फंस रहा। सड़क इनके मत्थे क्यों लग रहे हो इंस्पेक्टर साहब? ये तो सारे बुजदिल हैं, ये ना बतावे कुछ भी। मैं बताऊंगा इंस्पेक्टर साहब, एक डाकू मन ने पिछाना। हाँ हाँ, तुम बताओ। उनमें से एक का नाम बाबूजी भुरिया था। तुम्हें कैसे पता के एक का नाम भुरिया था? अजी बाबूजी, वो हमारे गांव का छोरा है। तुम गवाही दोगे उसके खिलाफ? डरोगे तो नहीं? मैं डरता तो थारे से बताता ही क्यों? अगर तुम सब भी ऐसे ही हो जाओ तो थारे मुंह ना पिटे रोज। मैं कह जी राम राम। ए तुम कौन सो? बेवकूफ लड़की, तू डॉक्टर झूठा राम को नहीं पहचानती, जिसके आवन का पहले मरीज कार छोड़ के भाग जा से। के कया डॉक्टर झूठा राम? हाँ डॉक्टर झूठा राम,
अभी अभी खबर मिली है या कोई बीमार है? जी जी, जी क्या कर रही है? ये कीड़े पड़ रहे हैं। मरीज कहाँ बताओ? जी यो रही तो यार से मरीज, चिंता मत करे भाभी, मेरा मतलब से देवी, मेरा डॉक्टर साहब आ गया है, सब ठीक हो जाएगा। आओ डॉक्टर साहब। कैसी हो सालू तुम? सालू तुम बाबूजी आप? हाँ सालू, ये पागल दिन रुक ना सका और सारी रात सो नहीं सके हम। हम भी तो नहीं सो सके बाबूजी। सच सालू? हाँ बाबूजी। अरे ये तो वो है बाबूजी है। अरे हम भी तो वो ऐसा है। इन्हें तो प्यार की बात कर दो और तुम्हारी के लिए पुत्र दिया मानो। कसम सालू, सारी रात सो ना सके, बस तुम्हारे ही बारे में सोचते रहे बस। हम भी तो नहीं सो सके बाबूजी, बस आपके ही ख्वाब देखते रहे, जागते भी और सोते भी। इसी का नाम तो प्यार है सालू, इसमें दर्द क्या, इंसान अपने आप को भी भूल जाता है। प्यारे मैं न प्यारे कजरारे और भोला मुखड़ा है, मैं न प्यारे कजरारे और भोला मुखड़ा है। घूंघट के में छुपा हुआ तू चांद का टुकड़ा है, बस सालू इन निगाहों में छुपा लूँ आज बाहों में, बस सालू इन निगाहों में छुपा लूँ आज बाहों में। बातें तेरी प्यारा मुखड़ा है, मीठी मीठी बातें तेरी प्यारा मुखड़ा है। चांद मेरे तुमसे ही चांद का टुकड़ा है, बसा लो इन निगाहों में छुपा लो हमको बाहों में, बसा लो इन निगाहों में छुपा लो हमको बाहों में। करती राते हमने सब कुछ खोया, देखा जब से तुमको, जब तुम पास हो आते कुछ कुछ होता हमको, दिल थक थक करता ओ सजना, बस तुम पर मरता ओ सजना, तुम संग ही है हर सुख अपना, तुम बिन दुखड़ा है।
रब से मांग लिया तुमको अपने लिए, कोई बुझा न पाएगा तेरे मेरे प्यार के दिए। है प्यार अमर ये यो सजनी, एक प्रेम डगर ये यो सजनी, ना छोड़ेंगे हाथ कभी अब हाथ जो पकड़ा है। घूंघट के में छुपा हुआ तो चांद का टुकड़ा है, बसा लूं इन निगाहों में, छुपा लूं आज बाहों में, बसा लूं इन निगाहों में, छुपा लूं आज बाहों में। गाल गुलाबी तेरे होश उड़ाए मेरे, सोने कैसे लगते तेरे केस सुनहरे। ना छूटे साथ तुम्हारा, तू है मेरा सहारा, इस दुनिया में साजन तुमसे ना कोई प्यारा। मेरा जीवन है ओ सजना, मेरा तन मन है तू ओ सजना, चौदवी का चांद आज बाहों में निकला है, चांद मेरे तुमसे ही चांद का टुकड़ा है, बसा लूं इन निगाहों में, छुपा लूं आज बाहों में, बसा लूं इन निगाहों में, छुपा लूं हमको बाहों। ये लो सालू, इससे अपने पैर की मालिश कर लेना, जल्दी ठीक हो जाओगे। अब आप चले जाओ बाबूजी, बापू के आने का टाइम हो गया है। दिल नहीं कर रहा सालू, अब तो आपको जाना ही पड़ेगा बाबूजी, अगर किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। पर सालू, अब आप जाइए बाबूजी, कल हम आपसे मिलने जरूर आएंगे। ठीक है सालू, मैं तुम्हारा कल पास वाले जंगल में इंतजार करूंगा। मारा इंग्लिश दवाई काम ना करती समझी सालनी, हमारे देसी जड़ी बूटी काम करा करे समझी। हाँ भाई दीरू। हाँ भाई लेरू, कदे मारे भी को छोरी पटाई मार जाएगी भाई, बता दे भाई। बैठे हैं भाई जोड़ के कट्ठे, देखो कदे ना कदे तो लहरा होएगी। जो किस्मत है खराब से ते लहर के माग उड़ावेगी। प्रकाश भाई मारी भी को सिफारिश कर दे भाई, बैस की गल है काटड़ुआ का भी टाइम पास हो जाएगा। मैं तो ना भैंस दिखाई दो हूँ। तू महेश्री भाई, तू तो गांव का झोटा है ना झोटा, तो ये तेरे सारे गांव की महेश देख के अनु अड़ावे से जादू। अरे हो गया वारे के न्यारे। अरे क्या हो गया ऐसा, अरे क्यों करोगे वारे के न्यारे। अरे देख
वो आ गई तेरे आरी और मेरे आरी और उसकी आरी भी। भाभी राम राम। थोड़ी सी चीजा भाभी ना तो भाई की जान लिखड़ जाएगी। चली परो चढ़ी बाट देख अलग सूट गया। आज तो मौका मिला से आज तो कोई छोड़ दे देर लगा दी सालू तूने। तुम्हारे बगैर एक एक पल एक वर्ष के समान लगता है। क्या करें बाबूजी? बापू के घर में होते हुए तो हम आपसे मिलने आ नहीं सकते। बापू और दादू गए गांव में तमाशा दिखाने। मौका देख के हम आपसे मिलने आ गए। हम तुमसे बहुत नाराज हैं सालू। क्यों बाबूजी? हमसे कोई गलती हो गई क्या? ये जो तुम बार बार मुझे बाबूजी कहते हो ना सालू, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और क्या कहें बाबूजी? अपना प्रकार। यह हमसे नहीं होगा बाबूजी। भला हम आपका नाम कैसे ले सकते हैं? आपको पता है एक औरत कभी अपने मर्द का नाम नहीं लेती। हद तगली, कैसी बातें कर रही है? अरे बापरे, मैं तो भूल ही गई। अपने हाथों से बना के लाई बाबूजी। सच्ची सालू? हाँ बाबूजी। और हाँ बाबूजी, कल हम आपसे मिलने नहीं आ सकते। क्यों सालू? कल नागपंचमी है बाबूजी, और नागपंचमी वाला दिन हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन होता है। कल नागपंचमी वाले दिन हम सारे नागों को दूध पिलाते हैं और भोलेनाथ की पूजा करते हैं और खूब नाचते गाते हैं। आप जरूर आना बाबूजी। फिर तो मैं जरूर आऊंगा सालू, हम भी तो देखें हमारी सालू सजीवी कैसी दिखाई देती है। अच्छा बाबूजी, कल हम आपकी राह देखेंगे, अब हम चलते हैं। ऐसे ही चलते हैं सालू। नागपंचमी का दिन आया, खुशियों का है आलम छाया। नाच सपेरन झूम के आ, ये समां फिर कहां, ये समां फिर कहां। आज नहीं है बस में काया, एक नशा सा सबको छाया। नाचे गाई झूम के आ।
छाई है मस्ती सी दिल में उमंग है छाई है मस्ती सी दिल में उमंग है आ रहा है बड़ा मजा पी सबने भंग है मैं भी संग हूँ तू भी संग है मैं भी संग हूँ तू भी संग है आजा दे दूरियां मिटा नाग पंचमी का दिन आया खुशियों का है आलम छाया नाच सपेरन झूम के आ ये समा फिर कहाँ ये समा फिर कहाँ ये समा फिर कहाँ ये समा देखो रंग ला रहा है समा में है दिल का आज मिलन होने दे दिल से इस दिल का सरसराती हाँ सरसराती सरसराती हाँ सरसराती सरसराती चल रही हवा आज नहीं है बस में काया एक नशा सा सबको नागों के देवता खुश हैं शिव भोले नागों के देवता खुश हैं शिव भोले नाच उठे जमी गगन शिव का डमरू बोले सबके स्वामी हाँ अंतर्यामी सबके स्वामी ओ अंतर्यामी जिसको ध्याए सारा ये जहां नाग पंचमी का दिन आज नहीं है बस में काया नाचे गाए झूम के आ ये समा फिर कहाँ ये समा फिर कहाँ ये समा फिर कहाँ ये समा फिर कहाँ दोस्तों आज नाग पंचमी के दिन इस खुशी के मौके पर मैं अपनी बेटी सालनी की सगाई दिलावर के साथ करता हूँ तो यू कुत्ता देगा भूरिया के खिलाफ गवाही हाँ दूंगा अब भी देगा हाँ अब भी दूंगा मेरा बेटा कहाँ है बता मेरा बेटा कहाँ है कहाँ है मेरा बेटा ए, हट बुड्ढी डान अरे वाह मैं बहुत बड़ा मर्द है तू जो एक बेसहारा औरत को बुढ़िया कह रहा बुढ़िया ना तो इसे के 16 साल की गुड़िया कहूंगा रुको जरा रण नियत्ते पर गोली नहीं ये
ने बहुत बुरी डाल मारा। नाश गयो का कीड़े पड़ेंगे, इनकी तो बेल ही नष्ट हो जाएगी। मेरे बेटे को कसाई की डाल मारा है। बापू तब मुझे बंदूक चलानी सिखा दो, फिर मैंने एक एक करके मारूंगा। तेरे साढ़े तीसरे दिन आ जाऊंगा गांव में। हाँ मैं सिखाऊंगा तुझे बंदूक चलानी, फिर देखना बहना तेरा बेटा क्या कमाल करता है। अरे तू बंदूक पकड़ रहा है या तीर कमान? पकड़ तो ठीक ले कम तकम। अजी ठीक ही तो पकड़ रहा हूं। ठीक ऐसे हो और हाथ यहां कर। अच्छा आंख दबा के एक तर लगा निशाना और दबा बटन। ए ये लो। खड़ा तो हो, कटे हुए पेड़ की ढाल गिर जाए। दिखा बंदूक, मैं दिखाता हूं तुझे निशाना लगा के। अब आया मेरी समझ में, तेरा निशाना क्यों नहीं लग रहा? अंकों पर कंट्रोल कर। कंट्रोल? अजी कर तो रहा हूं कंट्रोल, कंट्रोल होता ही ना, कितनी कोशिश कर लूं फिर भी निगाहेंगे तिंगे चली जा। अब लगा निशाना। अब बेटे सरदार, जिसकी मार मार के आपने चमड़ी तार दी थी वो आजकल बंदूक चलानी सीख रहा। कहीं ये पुलिस या सीआईडी का तो कुत्ता नहीं, पता लगाना पड़ेगा। ठीक है सरदार, हम उसे यहीं उठा लाते हैं। अकल ते भी काम ले लिया करो, चुन्नी बाई को भेजो गांव में, वह लगाओगी असलियत का पता। लाजवंती बोला जी। तन्ने भी रस है, वह सालनी प्रकाश ते कितनी प्यार तक खाना खुआ उससे। एक तुम सो काली नागन की त्रिया देर में बनी रो सो, कहते तो प्यार की बात कर लिया करो। आज वो है तो करना है जी। साची मार गई छू, लाओ फिर देर किस बात की से। साला दोनों अपनी आँख बंद कर लो जी। वो क्यों जी? हम तुम ना खाना खुआवेंगे और फिर प्यार करेंगे। लो कर लिया आंख बंद, जो बस करना तगा जा तो कर लो जी। इसका हम कट्टे है तो बना रहे से। कोटी खबार थी एक बारे मुंह मार दो ना थी। हमें यहाँ से कहीं ले चलो बाबूजी, वरना हम यहाँ पे मर जाएंगे। रो मत सालू, मैं बाबूजी से बात करूँगा। आपके बाबूजी हमें अपने घर की बहू कभी नहीं बनाएंगे बाबूजी। चुप हो जाओ सालू, बाबूजी को हमारा ये रिश्ता कबूल करना ही होगा और तुम्हें अपने घर की बहू बनाना ही होगा। कुछ भी करो बाबूजी, हम आपके बिना जी नहीं सकते, हम आपके बिना मर जाएंगे। मत रो सालू, अब तुम डेरे में जाओ, मैं सब ठीक कर लूंगा। पता कौन धमा रामचंदा? हमें जाने दो दिलावर, हमें जाने दो, छोड़ दो दिलावर, जाने दो हमें। पहले ये बता कौन था वो जिसके तू चिपकी खड़ी थी? हमने कहा ना हम कुछ नहीं बताएंगे। तू बतावेगी, सब कुछ बतावेगी, भाड़े नहीं बताओगी तो डेरे में बतावेगी। जो सब क्या हो रहा है दिलावर? मारे दे क्या पूछे सरदार, अपनी लाडली ने पूछो गैर मर्द के साथ जंगल में क्या कर रही थी? या मैं क्या सुन रहा हूँ सुशालनी, कौन था वो छोरा? वो गांव के जमींदार का छोरा सा बापू। पर तू क्या कर रही थी छोरे तेरे जंगल में? बापू
बापू वो मेरे से बहुत प्यार करे से और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ बापू। शाली अरे बस कर नाथ जी, अब कतई छोरी ना मारेगा। इसने ले जा मेरी अखा अकेले बापू, ना इसने मैं खत्म कर दूंगा। और समझा दे इसने, अगर इसने कबीले की इज्जत खेलने की कोशिश करी इसके टुकड़े टुकड़े करके जमीन में गाड़ दूंगा। बेड़ी डाल रखी से नो कब तक चलेगा सालू, मैंने आप नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी बाबू जी, मैं मर जाऊंगी। इसी बात मत कर सालू, तेरे बिना कुकर जी सकेगा तेरा प्रकाश। हम साथ साथ जी नहीं सकते तो क्या है बाबूजी, साथ साथ मर तो सके से। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा सालू, तुम हर हालत में मेरी दुल्हन बनोगे। सच बाबूजी? हाँ सालू। बेटी अपने अपने संभाल ले, ये तो तेजा तने जान से मार देगा। दादा मेरा क्या होगा, दादा उठे तो भाइयों, आप मेरे घर में किस बारे में इकट्ठे हुए हो, क्या समस्या है वो मुझे बताओ। चौधरी साहब, आपने आज तक जितने भी फैसले करे हैं उसमें न्याय करा है और आज भी ये भाई जो इकट्ठे हुए हैं सारे, इस उम्मीद पे है कि आज भी आप जो फैसला करोगे वो उचित और न्याय के लिए करोगे, इसलिए जो आपका फैसला होगा वो सारी पंचायत में मान्य होगा। पर भाइयों बात तो बताओ, मन्नत मेरा लग गया, बात केस है।
बातिया जोरी साहब इस धर्म सिंह के छोरे ने घड़ी नीच हरकत करी से, इसका फैसला होना चाहिए। चरकत की है ईशा के कर दिया इसके छोरे ने। चौड़ी साहब इसके छोरे ने मेरी छोरी गल्ला नीच हरकत करी से सारे गांव के सामने। चौड़ी साहब क्या गरीब की बेटी क्या बेटी नहीं होती, मैं पंचायत से फैसला चाहूंसू आके मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। तेरे साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है ओम प्रकाश, तेरी बेटी गांव की बेटी है, तेरे को पूरा इंसाफ मिलेगा। ओम प्रकाश जो काम की जिद के साथ खेलेगा मैं उसे और ये पंचायत कभी माफ नहीं करेंगे और उसे पूरी सजा मिलेगी। मैं ये फैसला देता हूँ धर्म के लड़के को गांव से निकाला दिया जाए और धर्म पर 10,000 रुपए का जुर्माना किया जाए। हाँ भाई जो नहीं पड़ता सिंह अच्छा न्याय करा। बात सुन ले मेरी चौधरी, अब पूरी गांव की पंचायत बैठी से यह भी काम खोल के सुन ले, ना जा मेरा छोरा धर्म सिंह तो अपनी औकात से ज्यादा बोल रहा है। तेरे बेटे ने जो गुनाह किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। किस गुनाह की बात कर रहा है चौधरी प्रताप सिंह, जितना गुनहगार मैं हूँ उससे 32 गुनहगार तो तू से तू अपनी जुबान लगाम दे। किसकी जुबान से लगाम लगाऊंगा चौधरी प्रताप सिंह, सारा काम जाने से तेरा बेटा के गुल खिला रहा है उस सपेरण गैला, उसने सारे गम में के थुथु करवा रखी से। अरे चौधरी प्रताप सिंह मेरा फैसला बाद में सुनाइए, पहला अपना फैसला तक कर ले, अपना फैसला तक कर ले। चौधरी प्रताप सिंह सारी पंचायत गया बाबूजी, हमने प्यार ही तो किया था, फिर ये दुनिया वाले हमारे दुश्मन क्यों बन गए बाबूजी? मत रो सालू, ये दुनिया हमेशा प्यार करने वालों का इम्तिहान लेती आई है। लेकिन ऐसा क्यों होता है बाबूजी, हम प्यार करने वालों से इतनी नफरत क्यों, क्यों बाबूजी? दुनिया चाहे कितनी ही नफरत कर ले मगर हमारे प्यार को नहीं मिटा पाएगी। प्रकाश तो ना जानता सालनी का बाबू कितना गुस्से वाला है। गुस्से पे हमेशा प्यार की जीत हुई है लाजो। पर प्रकाश मारा सरदार इस बात में कभी कबूल ना करेगा। ले रजो फिर वो भी देखेंगे। आराम जादी, एक बार समझाने का बात ना आई, खत्म कर दो इसने, मार दो हराम जाने निचले।
प्रकाश बेटा, प्रकाश प्रकाश से मत जाओ, प्रकाश प्रकाश प्रकाश। नहीं बाबूजी, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खड़ा होता मेरे कैदिया। नहीं बाबूजी, इसने मेरे साली पर हाथ उठाया है। खड़ा खड़ा। बहुत सहन कर लिया मैंने, बहुत सहन कर लिया। कान खोल कर सुन ले, तेरी जबान पे उस सपेरन का नाम आया तो मैं तेरे गोली मार दूंगा। चल मेरे साथ। दया दया, क्या होया जी, यो प्रकाश का खून क्यों करली कर रहे सा? तेरा क्या धारा क्या तेरा लाल, ऐसी गलती फिर नहीं करेगा। जी कहया तो था। फिर यो गलती कैसे हुई जी? बात क्या होगी, कुछ तो बता दो। अपने सलाद ले तो बूझ के गुल खिलाया है इसने। तेरा पता है उस सपेरे के पीछे पागल हो रहा सही। आज सपेरे जानवर की तरह पीछे दे इसने। अगर मैं टाइम पर ना पहुंचा होता तो खून करके जेल में पड़ा होता। उसने मेरी साधु को मार दिया बाबू जी। अगर किसी ने मेरी सालू की तरफ आंख भी उठाई तो मैं उसे जान से मार दूंगा। सुना तो ना गया, इसकी सालू की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो ये उसे जान से मार देगा। उस हामजादी के लिए अपने बाप को रिवार देगा ये। इसी औलाद के साथ रहना था अच्छा, तो मैं अपने गोली मार लूं। मेरी एक बात सुन ले प्रकाश, वो सपेन मेरे जीते जी मेरे घर में नहीं आओगी। बाबूजी अगर इनका कुछ होगा ना मैं तो माफ नहीं करूंगी। बस भी करो माँ, तुम चाहते हो ना मैं सालू को भूल जाऊँ? मैं भूल जाऊँ अपने पैर को। बाबूजी बाबूजी आप आइए तो स्वामी आपको यहाँ ऐसा करूँगा। बाबूजी बाबूजी जो मैं कहूंगा वो करेगा। हाँ बाबू जी, मैं वही करूंगा जो आप कहोगे। सरदार, ये डेरा के नहीं हम सब तई है कि हमारे मारे तई है। सरदार, जब अपनी बेटी पर बात आई तो चुप से बोलता क्यों नहीं? हाँ सरदार, करीम नाथ ठीक कह रहा सर। कबीले की छोरी किसी गैर मर्द से ब्याह नहीं कर सकती। ये बात ठीक कह रहा सर। सरदार, ये बात ठीक कह रहा सर। नाथो तेजा सरदार के लिए डेरा का कानून कानून से चाहे मेरी बेटी क्यों ना हो और इसकी सजा इसमें जरूर मिलेगी। ये क्या कर रहे हो सरदार? तू दूर आ जा रहे जाओ। मैं सबर कर लूंगा शाली, ये मेरा बेटी थी है ना। ये जा सरदार की तू ना कटवावे, उससे पहले तेरे मैं कटवाऊंगा। मार दो बाबू, हमें मार दो, हम जीना नहीं चाहते। बाबूजी के बिना हम नहीं जी सकते, बाबूजी नहीं जी सकते। हम मुझसे बहुत प्यार करते हैं बाबूजी। तेरे जिंदे प्यार ने तेरी गला जमीन में दफन कर दूंगा मैं। अरे क्यों मारना हो रहा थोड़ी ने, कुछ तो शर्म कर ले। प्रचार देश कलकड़ी ने तेजा सरदार इसने तेरे मुंह दिखाने जो क्या गुने छोड़ा। तू परा हो जा मुखिया। नहीं छोड़ूंगा तेजा, नहीं छोड़ूंगा। या तेरी अगले की थोड़ी नहीं, या पूरे कबीले की थोड़ी है। आज तेजा किसी की नहीं सुनेगा मुखिया। दिलावर। हाँ सरदार। ले जा इसे और बांध जुड़ के घेर दे डेरा में।
और सुनो, अगर यह दोबारा छोरे दे मिलने की कोशिश भी करे तो जान तो मार दो इसने। ये तेजा सरदार का खून है। जान दो बापू, हमें बापू जान दो, बाबूजी के बिना मर जाएंगे बापू, बापू जान दो बापू। ले जाओ इसने। भाइयों, सरपंच साहब के पास थाने से खबर आई है कि पूरा गांव एकजुट होकर पुलिस की मदद करे तो डाकुओं का सफाया कर सकते हैं, और हम सब गांव वाले संकल्प लें कि हम उनकी मदद करेंगे। करेंगे भाई, करेंगे, सभी करेंगे। अपनी प्रेम कहानी, अपनी प्रेम कहानी, ओ अपनी प्रेम कहानी, अपनी प्रेम कहानी। साजना की बाल मगी है चार निशानी, होय शर्माऊं किस किस ने बताऊं ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबने। अपनी प्रेम कहानी, अपनी प्रेम कहानी। पलकों ने मीचे
अपनी प्रेम कहानी, अपनी प्रेम कहानी, ओ अपनी प्रेम कहानी, अपनी प्रेम कहानी। साजना की बाल मकी है चार निशानी, हजर माओ किस किस ने बताऊ अस किस में सुनाऊ सबने, अपनी प्रेम कहानी, अपनी प्रेम कहानी, ओ अपनी प्रेम कहानी, अपनी प्रेम कहानी, ओ अपनी प्रेम कहानी, अपनी प्रेम कहानी। गद्दार जिसने यह हिमाकत करी है, अपने आप मेरी सहमी आ जाओ तो आसान मौत मिलेगी, अगर मन ने ढूंढा तो कुत्तों से नुचवाऊंगा। के बात हुई, आज सबकी निगाह नीचे को क्यों हो रही है, मेरी ओड़ को क्यों ना लगाते। तू ही है ना असली गद्दार, जब्बर सिंह गद्दार की नजर को भीड़ में भी पिछाने। ना ना सरदार, वो तो मेरे पे भी ना पिछड़ा। अब मैं तुझे एक काम बताऊंगा, उसमें कोई चूक ना होनी चाहिए। सरदार एक खबर लाया हूं, तुम सुनकर खुश हो जाओगे। के खबर है? सरदार उस जीत की यारी एक मंजू नाम की छोरी ते हो रही है। या खबर मुझे तन्ने क्यों ना दी। मैं समझी कि या तो कोई खास खबर ना है। यही तो असली खबर है। गुजरे से दिन मेरे बीत रात उदास मेरी, जल्दी आ जा तू बेदर्दी, जल्दी आ जा तू बेदर्दी, रुक ना जावे सांस मेरी। रो रो गुजरे से दिन मेरे बीत रात उदास मेरी, रो रो गुजरे से दिन मेरे बीत रात उदास मेरी। छुपाऊं मैं हो भी दर्दी, बता
ऐसी दिल की प्यास मेरी नहीं बुझाए बुझती बैरन प्यासी दिल की प्यास मेरी जल्दी आ जा तू बेदर्दी जल्दी आ जा तू बेदर्दी रुक ना जावे सांस मेरी रो रो गुजरे से दिन मेरे बीत रात उदास मेरी रो रो गुजरे से दिन मेरे बीत रात उदास मेरी जानते दूर करा लगा दिए रे बहरे गहरे प्यार मेरा मजबूर करा तेरा मेरा मिलन प्यार का नहीं दिखे मंजूर करा मार के ठोकर तोड़ दिया रे सपना मेरा चूर करा सपना मेरा चूर करा टुकड़े हो गए टूट बिखर गई जो लाई थी आस तेरी टुकड़े हो गए टूट बिखर गई जो लाई थी आस तेरी जल्दी आ जा तू बेदर्दी जल्दी आ जा तू बेदर्दी रुक ना जाव सांस मेरी रो रो गुजरे से दिन मेरे बीत रात उदास मेरी रो रो गुजरे से दिन मेरे बीत रात उदास मेरी
किस्मत आगे आज रे सजनी मानस हारा देख लिया इन आख्या तकदीरा का आज नजारा देख लिया आज नजारा देख लिया कोन्या आई इस दुनिया ने पाक मोहब्बत रास मेरी कोन्या आई इस दुनिया ने पाक मोहब्बत रास मेरी जल्दी आ जा तू बेदर्दी जल्दी आ जा तू बेदर्दी रुक ना जा मैं सांस मेरी रू रू गुजरे से दिन मेरे बीते रात उदास मेरी रू रू गुजरे से दिन मेरे बीते रात उदास मेरी जल्दी गुजरे से दिन मेरे बीते रात उदास मेरे रो रो गुजरे से दिन मेरे बीते रात उदास मेरी रो रो गुजरे से दिन मेरे बीते रात उदास मेरी मैं सालों के बगैर नहीं रह सकता वहां मैं उसके बगैर मर जाऊंगा वहां मैं क्या करूं बेटा मैं मजबूर सू बेटा सरदार मैं आ गया हूँ अब मंजू को छोड़ दो छोड़ दूँ पिंजरे में फंसी हुई कबूतरी को छोड़ दूँ मन्ने सुना है डाकू अपनी जुबान के पक्के हुए अपना वादा नहीं तोड़ते कैसी जुबान कैसा वादा जिस जुबान और वादे की तू बात करे उसे बिहड़ों की गहराइयों में गुम हुए भी सदियां बीत गई जब्बर सिंह तेरी दुश्मनी मेरे ते है तेरा बैर मेरे ते है मंजू ते के बैर बैर मंजू ते नहीं बैर इसकी कातिल जवानी से है बैर इसके कोमल हुसन से है घबरावे मत इतनी आसान मौत नहीं दूंगा तुझे तेरी मौत को देख के तो आने वाली नस्ल भी भयभीत हो जाएगी या छोड़ दिया जा बोल तेरी गेल की सलू करा जा मार दिया जा या छोड़ दिया जा बोल तेरी गेल की सलू करा जा बोल तेरी गेल की सलू
या जहर दिया जा, बोल तेरी गेल के चलू करा जा, मार दिया जा या छोड़ दिया जा, बोल तेरी गेल के चलू करा जा। काम पे हमला करके पुलिस को काम से दूर ले जाओ।
काम वालो मारी इस गांव से कोई दुश्मनी नहीं है। मारी दुश्मनी तो उस हरामजादे से है। या तो पांच मिनट में उसे हमें सौंप दो, नहीं तो मैं इस गांव को आग लगा दूंगा। डाकुओं से मुकाबला कर रहा है। तू अपना काम कर, जाके अभी ना कर रहा मेरा मरने को जी। तो तू पहले ये चूड़ी, मैं जा रही हूँ। थम जा, मैं ही जा रहा हूँ। सर, मैं गांव से बाहर धोखे से आ गया हूँ। गांव पर डाकुओं ने हमला कर दिया है। आप और पुलिस भेजिए, मैं भी वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। ओवर। साली गद्दार। ओए खड़ा हो, डाकू आगे। डाकू तो कहीं छिप जा। अरे मैं क्या करूं? आज हम छिपेंगे नहीं, आज हम कुछ करेंगे। अच्छा, हम भी कुछ करेंगे? ठीक है, आज हम कुछ कर देंगे। यार इसे थोड़ी दारू भी तो पिया। हाँ पिया। अब ये एक गोली से चार चार को मारेगी। अच्छा, yeah।
गद्दार। आ तू पर ये मैंने नहीं, मेरे यार ने मारा है। तुझे गद्दार? अरे मैं तो खामखा ही डर गया। गोली चला हराम के बच्चे, कायर चला गोली। निहत्ते पे गोली नहीं चलाते सरदार। आओ आओ इंस्पेक्टर साहब, हमने सारे डकैत मार दिए, दो चार जीतने भी मारे हैं। अगर इसी तरह सभी एकजुट होकर मुकाबला करें तो किसी को जुर्म का शिकार नहीं होना पड़ेगा। आज एक गांव जागा है, कल दूसरा जागेगा, धीरे धीरे यह जागृति पूरे देश में आएगी। इंस्पेक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, आज डाकुओं से हमारा गांव मुक्त होया है। अगर सभी हिम्मत से काम लें तो हमारा सारा देश इन डाकुओं से मुक्ति पा लेगा। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं जी। हाँ बोल दया। अपने जिद छोड़ दो जी, कभी ऐसा ना हो कि अपनी झूठी हार बान और जिद के आगे अपने बेटे ना खो दो। तू क्या सोचा है दया, उस सपेरे में मैं अपने घर की बहू बना लूं, सारे गांव के आगे अपनी नाक कटवा लूं, जो लोग मेरे सामने सर नहीं उठाते वो मेरे बहस से क्यों चाहे तू? मैं कहती हूँ मान जाओ जी अपने प्रकाश में, ऐसा वैसा सोच लिया तो आपकी ये झूठी शान आन बान मेरा बेटा लौटा देंगे। जिन गांव वालों की आप बात कर रहे हो मेरा बेटा लौटा देंगे, मेरे प्रकाश ने प्यार किया, कोई पाप नहीं की। प्यार भी अपने बराबर वालों के साथ होया करता है, ये रिश्ते नाते अपने बराबर वालों के साथ ही अच्छे लगते हैं। प्यार ऊंच नीच जात पात नहीं देखता जी, प्यार के आगे तो भगवान ने भी झुकना पड़ा जी। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन मेरी एक बात सुन लो जी, अगर मेरे प्रकाश का कुछ भी होगा तो मैं अपना माफ नहीं करूंगी। दया मेरे पास आ। तू
की सोचा है दया, मैं प्रकाश से प्यार नहीं करता, बाप सुन है उसका, आज तेरे बेटे के प्यार के आगे एक बाप ने झुकना पड़ गया। दया उसको दिन अपने लड़की को बुला जा, कह दे प्रकाश ने मन रिश्ता मंजूर। प्रकाश बेटा। हाँ माँ। आज तेरे प्यार की जीत है से बेटे। नहीं माँ, इस दुनिया के रूठी रीति रिवाजों के सामने प्यार कभी नहीं जीत सकता माँ। बेटे दुनिया के झूठे रीति रिवाज प्यार के तूफान के आगे टूट कर बिखर गए। तेरे बाप ने रिश्ता मंजूर सा बेटे, शादी हमारे घर की बहू बनेगी। सच माँ? हाँ बेटा। तुम कितनी अच्छी हो माँ। मैं ये फैसला देता हूँ, धर्म के लड़के को गांव से निकाला दिया जाए और धर्म पर 10,000 रुपए का जुर्माना किया जाए। ये बात है चौधरी धर्म सिंह, तेरे भितरले में कौन सी आग लाग रही से? इसी आग लाग रही से जिले सिंह, जो चौधरी प्रताप सिंह से बदला लेने के बाद बुझ सके से। बुझा ले अपने इस आग ला मौका ही पड़े है। किसा मौका? दावड़ा बता मने, दावड़ा बता। चौधरी प्रताप सिंह ने तेरे छोरे को गांव से बाहर निकलवा दिया, तू भी उसके छोरे ने गांव से बाहर निकलवा सके से? वो क्यों कर रहे? पंचायत रे इकट्ठी कर। का छोरा प्रकाश सपेरन की गल्ला गुल छर्रे उड़ाने लग रहा से, थारा काम इस बात में जाने से। प्रकाश की सगाई भीम सिंह की छोरी गल्ला हो चुकी है, समझ में आ गई से सारी कहानी। तुम दोनों पंचायत में इकट्ठी करो और मैं भीम सिंह में एक आता हूँ। भाइयों, आज की पंचायत चौधरी धर्म सिंह ने बुलाई सर। हाँ भाई धर्म सिंह, जो बता तेरा पंचायत तक की शिकायत से। राम राम भाइयों, इससे पंचायत में एक दिन चौधरी प्रताप सिंह ने मेरे छोरे थे 10,000 रुपये जुर्माना और गांव लिकाड़ा दिया था, और आज चौधरी प्रताप सिंह का बेटा प्रकाश सपेरण की बस्ती में चक्कर काट रहा से और गुल छर्रे उड़ा रहा से। अब आप लोग बताओ इसकी के सजा से? झूठ बोल रहा है यू। मेरा छोरा उस सपेरे की लड़की से प्यार करे से और उससे शादी करना चाहवे से। लेकिन भाइयों, सरपंच के छोरे ने भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि
उसकी सगाई भीम सिंह की छोरी के हो चुकी से और वो सभ्य रण के छोरी के पीछे अंडे जा से। बंद कर अपनी जबान ने, मैं अपने छोरे का ब्याह सभ्य रण के साथ करूंगा। फिर मेल लड़के आके होगा तो साहब सगाई होकर टूट भी जा कर भीम सिंह, मेरा लड़का सपेरन से प्यार करे से और प्यार करना कोई गुनाह नहीं से। पर आप किसी की इज्जत तो नहीं खेल सकते चौधरी साहब। मैं और मेरा बेटा किसी की इज्जत से नहीं खेल रहे से। चौधरी प्रताप सिंह, आपने अपने छोरे का ब्याह चौधरी भीम सिंह की छोरी से करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं तो क्या कर लेगा मेरा छोरा। मैं अपने छोरे का ब्याह मर्जी से करूं। भाइयों, सरपंच जी ठीक कह रहे हैं, प्रकाश ने कोई गलत काम नहीं करया। ओ सरपंच जी, गरीब की बेटी ने अपने घर की इज्जत बना रहे हैं। प्रकाश सालों का मेरा कोई फायदा नहीं भाई। प्रकाश हम दोनों उड़े तो आए हैं, सालू तुमने मेरा लाया थी बढ़िया पिटाई उसके बाद में भाई बांध जुड़ के कैद कर दी है। वो मेरी सालू को कोई कैद नहीं कर सकता, तुम दोनों चलो मेरे साथ। ठंडे दिमाग ने काम नहीं प्रकाश, मारा उड़ा जाना ठीक नहीं। सारे कबीले वाले मारे हाथ को ढंग तोड़ देंगे और जान से फेर छुड़ा लेंगे। सालू ने तोड़ी देख सीख लो तेरे जान के दुश्मन बड़े हेक मिल जा रही। हरा जाती अपने यार को भूली नहीं। मेरे जान ने दिलावर, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ू दिलावर, तू क्या समझे है डेरे की इज्जत उस हरामजादे के हाथ सौंप दूं? आज उसके प्यार का भूत तेरे सर से पार कर लूंगा। नहीं तेजा सरदार, आज इसने डेरे की सारी हद पार कर दी है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दिलावर मैं समझ गया तेजा सरदार के तेरे मन में के खोट से
तू नहीं चाहता कि सानी मेरी बने। पहला तो मेरे सख्त था, आज मेरे विश्वास हो गया से। तू तो चाहे है कि सानी प्रताप की हवेली की बहू बने। अपनी जुबान न संभाल दिलावर ना, कबीले की आन और बाण की खातर ये तेजा लात किसे की जान ले भी सके से और अपनी जान दे भी सके से। रहर दे सरदार, सारा कबीला जाने है तेरे मन में केस है। कबीले के कानून तन्ने बनाए थे ताकि जो भी कबीले के खिलाफ जाएगा आप उसे मौत की सजा देंगे। के आज देश अपनी बेटी ने मौत की सजा। हाँ, देश घुसू अपनी बेटी ने मौत की सजा। नहीं तेजा ना, वैसा नहीं कर सकता। पर मेरे जीते जी जा नहीं हो सकता मुखिया, ये चौधरी के घर की बहू नहीं बन सकती। नागराज, मैंने कदे तेरे को साफ नहीं समझा, अपना बेटा माना, आज मैं तेना घूम दू जा और चौधरी के बेटे ना खत्म कर दे। नहीं नागराज, तुम ऐसा नहीं कर सकते नागराज। तुम्हें कसम है कबीले वालों की, तुम्हें कसम है भोलेनाथ की नागराज, तुम बाबूजी को नहीं काटोगे नागराज। नागराज सुनो नागराज, मामा मामा नागराज को रोक लो मामा, नहीं तो बाबूजी को मार डालेंगे मामा। काट लिया है सालू, लगता है हमारा मिलन अधूरा ही रह जाएगा। नहीं प्रकाश, बाबू बचाओ, मैं मर जाएगा बाबू। मनाज देख लिया तेजनाथ, तू आदमी नहीं राक्षस है, राक्षस जिसका दिल इस मासूम के आंसू भी नहीं पिघला सके वो आदमी नहीं हो सकता। अगर तू नहीं बचाता इसने तो मैं बचाऊंगा इसने। तुझे नहीं कर सकता मुखिया, तुझे नहीं बचा सकता, ये नागराज का जहर है। अगर तू इसने बचाने की कोशिश करेगा तो तू भी मारा जाएगा।
इसने खुद नागराज ने बचा सका है। बापू प्रकाश ने बचा लो बापू, आज के बाद कभी मैं इसका नाम अपनी जबान पे नहीं लाऊंगी बापू। बापू प्रकाश ने बचा लो बापू। अरे रैम कर नाथ रैम कर, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ू सू हाथ। जो तू कहेगा वो होगा, पर तू इसने बचा ले। शराम चाहते ना मरना है वहां नागराज। बाबा मेरे प्रकाश को बचाओ बाबा। सावनी बेटी, मैंने पता नहीं था कि नफरत की आंधी कदे प्यार के चलते हुए चिराग नहीं बुझा सकती। मैंने माफ कर दे बेटी। प्रकाश बेटे मेरे दूर आ जा। बेटे मैं सामने का हाथ आज तेरे हाथ में देके जा रहा हूँ बेटे, मैंने माफ कर दी। तेरा यो बाप मरा है पर यो बाप जिंदा है। बापू 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 प्रकाश का जवाब दिया।